हाय नमस्कार बंधु, गुड मॉर्निंग। आमी चंद्र मल्लिक, तुम्हारा देखो आमार यूट्यूब चैनले तुम्हारे सकल के स्वागत। बंधुरा तुम्हारा केमन आछो? आशा करछि तुम्हारा सकले खूब भालो आछो, आमिओ खूब भालो आछि। बंधुरा आज के आमी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनेर ओपर पार्ट 6 तुम्हारे संगे खूब सुंदरभावे आलोचना करब, तुम्हारे बोझानोर चेष्टा करब। बंधुरा एर आगे पार्ट 5 करेछिलाम, तुम्हारा जरा पार्ट 5 देखोनी, देखो डिस्क्रिप्शन बक्से पार्ट 5 लिंक देवा हयेछे, तुम्हारा सेखान थेके पार्ट 5 देखे नाओ, भालो करे बुझे नाओ, तारपर आज पार्ट 6 तुम्हारा देखबे। बंधुरा आज पार्ट 6 बेस किछु एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन खूब सुंदरभावे तोमादेर बोझानोर चेष्टा करब। जदि तोमरा शेष पर्यन्त देखो, आमि कथा दिच्छि तोमादेर टाइमटा नष्ट होबे ना, बरं तोमरा प्रत्येकटा प्रिपोजिशन भालो करे बुझते पारबे। जदि बुझते पारो भालो लागे अवश्यई लाइक करे जानाबे, खराब लागले डिसलाइक करे देबे। बंधुरा आमि चाई आमार पश्चिमबंगेर प्रत्येकटा भाई बोनके, पश्चिमबंगेर प्रत्येकटा बंधु बान्धबीके साहाज्य करते। जदि तोमार भिडियोटि भालो लागे अवश्यई शेयार करे प्रत्येककेदेखार सुयोग करे देबे। तो चलो शुरू करछि, देखे नाओ पार्ट 6। बंधुरा आज के मध्य पार्ट 6, पार्ट 5 लिंक डिस्क्रिप्शन बक्से देया हुई है, तुम्हारा सेखान थेके पार्ट 5 देखे नाओ। आज के मध्य प्रथम एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन एंग्री हुईथ, भालो करे शोनो, मुखस्त करे दिच्छी। एंग्री हुईथ माने क्रुद्ध हवा व्यक्तिर प्रति, एंग्री हुईथ माने क्रुद्ध हवा व्यक्तिर प्रति। एग्जाम्पल, हि इज एंग्री हुईथ मी, से आमार प्रति क्रुद्ध हयेछे बा रेगे गेछे। एंग्री हुईथ माने हच्छे क्रुद्ध हवा बा रेगे जावा व्यक्तिर प्रति। एंग्री हुईथ मन हे रेगे जावा व्यक्तिर प्रति बा क्रुद्ध हवा व्यक्तिर प्रति। हि इज एंग्री हुईथ मी। नेक्स्ट, एंग्री अबाउट, एंग्री अबाउट मान क्रुद्ध हवा विषय, कोनो विषयते क्रुद्ध हवा मान हे एंग्री अबाउट। एंग्री अबाउट मान कोनो विषय क्रुद्ध हवा। एग्जाम्पल, ह्वाट हि इज एंग्री, ह्वाट इज हि एंग्री अबाउट। भालो करे शोनो, एंग्री अबाउट, एंग्री अबाउट मान क्रुद्ध हवा विषय, हि ह्वाट इज हि एंग्री अबाउट। ओके, नेक्स्ट, एंग्री एट, एंग्री एट मानी क्रुद्ध हवा घटना बा आचरणे। एग्जाम्पल, सी फेल्ट एंग्री एट द प्रोपोजल, सी फेल्ट एंग्री एट द प्रोपोजल। आबार रिपीट कर दीची, भालो करे शोनो, एंग्री हुईथ, एंग्री हुईथ मानी क्रुद्ध हवा व्यक्तिर प्रति, हि इज एंग्री हुईथ मी। नेक्स्ट, एंग्री अबाउट मानी क्रुद्ध हवा विषय, ह्वाट इज हि एंग्री अबाउट। नेक्स्ट आछे एंग्री एट, एंग्री एट माने क्रुद्ध हवा घटना बा आचरणे। एग्जाम्पल, सी फेल्ट एंग्री एट द प्रोपोजल। नेक्स्ट, पढ़े पढ़े आछे एनोएड हुईथ, एनोएड हुईथ माने बिरक्त कोनो व्यक्तिर प्रति। एनोएड हुईथ माने बिरक्त कोनो व्यक्तिर प्रति। एग्जाम्पल, हि इज एनोएड हुईथ मी, एनोएड हुईथ माने बिरक्त कोनो व्यक्तिर प्रति। हि इज एनोएड हुईथ मी, एनोएड हुईथ माने बिरक्त कोनो व्यक्तिर प्रति। हि इज एनोएड हुईथ मी। परेर प्रिपोजिशन एनोएड एट, एनोएड एट माने बिरक्त घटनाय, एनोएड एट माने बिरक्त घटनाय। आई फेल्ट एनोएड एट हिज बिहेवियर, एनोएड एट माने बिरक्त घटनाय। आई फेल्ट एनोएड एट हिज बिहेवियर, एनोएड एट माने बिरक्त घटनाय। आई फेल्ट एनोएड एट हिज बिहेवियर। नेक्स्ट, आंसर टू, आंसर टू माने जवाब बा सारा देवा, आंसर टू माने जवाब बा सारा देवा। एग्जाम्पल, आंसर टू द रोल कॉल, आंसर टू माने जवाब देवा बा सारा देवा। एग्जाम्पल, आंसर टू द रोल कॉल, आंसर टू माने जवाब देवा बा सारा देवा, आंसर टू द रोल कॉल। नेक्स्ट, आंसर फॉर, आंसर फॉर माने कैफियत देवा, आंसर फॉर माने कैफियत देवा। एग्जाम्पल, यू हैव टू आंसर फॉर योर कंडक्ट, आंसर फॉर माने हे कैफियत देवा, यू हैव टू आंसर फॉर योर कंडक्ट। आंसर टू माने जवाब देवा बा सारा देवा, आंसर टू द रोल कॉल, आंसर फॉर माने कैफियत देवा, यू हैव टू आंसर फॉर योर कंडक्ट। नेक्स्ट, एंग्जियस अबाउट, एंग्जियस अबाउट माने उद्विग्न, एंग्जियस अबाउट माने उद्विग्न। एग्जाम्पल, एवरीवन इज एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ, एंग्जियस अबाउट माने उद्विग्न, एवरीवन इज एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ, एंग्जियस अबाउट माने उद्विग्न, एवरीवन इज एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ। नेक्स्ट, एंग्जियस फॉर, एंग्जियस फॉर माने व्याघ्र, एंग्जियस फॉर माने हे व्याघ्र। द मैन इज एंग्जियस फॉर प्रमोशन, एंग्जियस फॉर माने हे व्याघ्र। एग्जाम्पल, द मैन इज एंग्जियस फॉर प्रमोशन, एंग्जियस फॉर माने व्याघ्र। एग्जाम्पल, द मैन इज एंग्जियस फॉर प्रमोशन, एंग्जियस फॉर माने व्याघ्र, द मैन इज एंग्जियस फॉर प्रमोशन। परेर प्रिपोजिशन अपोलोजाइज टू, अपोलोजाइज टू माने क्षमा चावा व्यक्तिर काछे, अपोलोजाइज टू माने क्षमा चावा व्यक्तिर काछे। एग्जाम्पल, यू शुड अपोलोजाइज टू हर,
অ্যাপোলোজাইজ টু মানে ক্ষমা চাওয়া ব্যক্তির কাছে, ইউ শুড অ্যাপোলোজাইজ টু হার। অ্যাপোলোজাইজ টু মানে ক্ষমা চাওয়া ব্যক্তির কাছে, ইউ শুড অ্যাপোলোজাইজ টু হার। নেক্সট, অ্যাপোলোজাইজ ফর মানে ক্ষমা চাওয়া কিছুর জন্য, এখানে সেন্টেন্সটা পুরো করা নাই, অ্যাপোলোজাইজ ফর ইওর মিসকন্ডাক্ট, সেন্টেন্সটা হবে অ্যাপোলোজাইজ ফর ইওর মিসকন্ডাক্ট, ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স। আবার পড়ছি, অ্যাপোলোজাইজ টু মানে ক্ষমা চাওয়া ব্যক্তির কাছে, ইউ শুড অ্যাপোলোজাইজ টু হার। নেক্সট, অ্যাপোলোজাইজ ফর মানে ক্ষমা চাওয়া কিছুর জন্য, অ্যাপোলোজাইজ ফর ইওর মিসকন্ডাক্ট। ওকে, নেক্সট আছে অ্যাপিল টু। অ্যাপিল টু মানে আবেদন করা কারোর কাছে, অ্যাপিল টু মানে কারোর কাছে আবেদন করা। তারপরেই আছে অ্যাপিল ফর মানে সাহায্য প্রার্থনা করা কিছুর জন্য, অ্যাপিল টু মানে কোনো ব্যক্তির কাছে আমি আবেদন করছি, অ্যাপিল ফর মানে সাহায্য চাইছি কারোর কিছুর জন্য, কিছুর জন্য আমি সাহায্য চাইছি। ভালো করে বোঝো, অ্যাপিল টু মানে ব্যক্তির কাছে আবেদন করছি, অ্যাপিল ফর মানে কিছুর জন্য সাহায্য চাইছি বা আবেদন করছি। একটা এক্সাম্পলই করা আছে, হি অ্যাপিল টু দ্য ম্যানেজার ফর লোন, হি অ্যাপিল টু দ্য ম্যানেজার ফর লোন। ওকে, নেক্সট অ্যাপিল এগেনস্ট। অ্যাপিল এগেনস্ট মানে কারোর বিরুদ্ধে, দে অ্যাপিল্ড এগেনস্ট দ্য ভার্ডিক্ট। অ্যাপিল এগেনস্ট মানে কারোর বিরুদ্ধে, দে অ্যাপিল্ড এগেনস্ট দ্য ভার্ডিক্ট। অ্যাপিল এগেনস্ট মানে কারোর বিরুদ্ধে, দে অ্যাপিল্ড এগেনস্ট দ্য ভার্ডিক্ট। আমাদের লাস্ট প্রিপোজিশন অ্যাপেটাইট ফর। অ্যাপেটাইট ফর মানে ক্ষুধা থাকা। এক্সাম্পল, আই হ্যাভ নো অ্যাপেটাইট ফর রিচ ফুড। অ্যাপেটাইট ফর মানে ক্ষুধা থাকা। এক্সাম্পল, আই হ্যাভ নো অ্যাপেটাইট ফর রিচ ফুড। অ্যাপেটাইট ফর মানে ক্ষুধা থাকা। এক্সাম্পল, আই হ্যাভ নো অ্যাপেটাইট ফর রিচ ফুড। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা শেষ পর্যন্ত দেখলে তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তো এখানেই শেষ করলাম ভিডিওটি। সুন্দর থাকবে, সুস্থ থাকবে, টেক কেয়ার, থ্যাংক ইউ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।